आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक बहुत लंबे समय से कई महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन चल रहा है और याद रखिए मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा या इतना लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कभी नहीं देखा और देखिए इस आंदोलन की चर्चा हर जगह फैली हुई है आपने देखा है कि अन्ना आंदोलन चला था मुझे लगता है कि अन्धा अन्ना आंदोलन के बारे में हर किसी को मालूम नहीं था उस समय लेकिन किसान आंदोलन के बारे में आप लोग बच्चे बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं उसे भी पता होगा समझ रहे हैं आप लोग अन्ना आंदोलन की अलग बात है कि लोकपाल आया था करने के लिए एक तरह से बनाने के लिए आंदोलन किया गया और आप सभी लोग जानते हैं कि लोकपाल गठित भी हो चुका है और आप लोगों को भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग नहीं लगती दिखाई दे रही होगी मैं पहले भी आप लोगों से बोला हूँ देखिये भ्रष्टाचार खत्म करना है तो हर व्यक्ति को एक तरह से आगे आना होगा आपने देखा होगा हमारा आपका कुछ काम नहीं होता है हम लोग जाके दो सौ दे देते हैं हम लोग हेड एक तरह से कहीं भी गाड़ी से जा रहे हैं हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम आती है हम लोग बीच का रास्ता निकाल के दो, दो सौ चार सौ रुपये दे के निकल जाते हैं हम ही लोग हम ही आप लोग तो एक तरह से भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं और याद रखिए कोई भी लोकपाल बन जाए या फिर और भी कोई इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाए लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। जब तक कि हम आप जागरूक ना हो ठीक है आते हम लोग बात की किसान आंदोलन पर तो याद रखिए आप एक बात और आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कि एक परिवार में आप मुखिया हैं एक परिवार के और आप अपने परिवार के लिए इस तरह के नियम कानून बनाना चाह रहे हैं कि वे उनके एक तरह से फायदे होंगे उनके आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं उनके फायदे में होंगे लेकिन मान लीजिए ले कि वो आपके जो भी परिवार मेंबर हैं जो भी फैमिली मेंबर हैं वो नहीं मानते हैं उन नियम को और उनसे आप पूछकर इस तरह के कानून नहीं बनाते हैं पहले देखिए जिसके लिए आप लोग कानून बना रहे हैं उनकी सलाह तो ले लेनी चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे तो मुझे लगता है कि एक परिवार तो मेंबर तो मुखिया यही करेगा कि वो कानून वापस ले लेगा क्योंकि सभी मेंबर जब मानेंगे एक तरह से तो क्या मतलब है उन कानूनों का और जब आप भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि इन कानूनों के फायदे हैं तब भी इन कानूनों का कोई मायने भी तो नहीं रखता है आप सभी लोग जान भी रहे हैं कि कितना लंबा समय हो चुका है कितने किसानों की डेथ हो चुकी है देखिए हमारी ही मेंबर में वो एक तरह से हमारा ही परिवार है किसान सभी लोग समझ रहे हैं आप लोग और आपने देखा है कि हमारे देश की जो भी छवि है उस पर भी एक तरह से धूमिल पड़ रही है लोकतंत्र के आपके इंडेक्स जो भी निकल रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया और भी जो भी आपकी तो उन पर भी आप देख रहे हैं कि हमारी साख गिरावट देखी जा रही है समझ रहे हैं आप लोग और देखिए कई बाहर बाहरी हस्तियों ने एक तरह से इसमें एक तरह से सहयोग या समर्थन की बात की है किसान आंदोलन को तब भी आपने देखा है कि सरकार कितनी बुरी तरह से एक तरह से चिल्लाने लगी तो मुझे लगता है कि अगर हमारे घर की कोई समस्या है तो हमें घर में निपटा लेना चाहिए वरना आस पड़ोस के लोग मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं वो इसमें उंगली लगाएंगे देखिए अगर ये समस्या खत्म नहीं होती है तो तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा समय हो चुका है और सरकार को एक तरह से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालकर आंदोलन को खत्म करना चाहिए तो चलिए आखिर इनकी बातें क्या है आखिर किसान ने किसानों की मांग क्या है इनके कुछ तर्क भी क्या है और इनके विपक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं इस पर भी बात कर लेते हैं और याद रखिए एक आपने देखा होगा कि जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है उस पर भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे ठीक है और याद रखिए यहाँ कोई नियम में हम लोग डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि तीन कृषि कानून आए हुए हैं पहला है आपका कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 दूसरा आप देखते हैं कि मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 यानी कि 2020 इन्हीं तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं और न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक तरह से कानून बनाने की बात की जा रही है और मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसान परिवार मेंबर हैं अगर जुड़े हुए हैं किसानों से तो आप लोगों को मालूम होगा कि किसानों की फसल कितने निचले दाम पर गिरती है, एक तरह से बिकती है उनके एक तरह से फसल का कोई मूल्य नहीं मिलता है गांव की तरफ आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो यही हाल है कि जितने सेठ जी ने दे दिए दाम उतने ही एक तरह से ले लिए और सरकार जो खरीदने की बात करती है कितने किसान डालते हैं मुझे नहीं लगता है कि गांव में आप देखते होंगे कि दो चार किसान अगर डाल दें गांव में इस बहुत बड़ी बात हो जाती है और वैसे भी आपने सरकारी आंकड़े उठा के देखे हैं कि छह परसेंट केवल किसान आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा यानी कि यानी कि फायदा यानी कि लाभ पाते हैं आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में किसानों को अपनी फसल का सही रेट नहीं मिल पाता है तो इस तरह की कोई व्यवस्था तो हो जानी चाहिए कि उनके कम से कम कृषि का जो भी फसल है उनका अच्छे से मूल्य तो मिल जाए आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दोगुना कर देंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं करके हो सकता है कि अगर दोगुनी की जा सकती है वरना आप समझ रहे हैं कि दो ज्यादा दूर नहीं रह गया और कुछ आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ठीक है तो ये है हमारा प्यारा भारत देख लीजिए पृथ्वी में एशिया में ये हमारा प्यारा भारत और अपने पड़ोसियों को देख लीजिए श्रीलंका हो गया बांग्लादेश म्यांमार भूटान नेपाल चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ये है हमारी नई दिल्ली इस यही आंदोलन चल रहा है आपका ठीक है आपने देखा होगा कि किसानों द्वारा किसानों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के नए कानून के उनके लाभ के लिए हैं और के बावजूद उन्हें भय है कि इनके कानूनों की वजह से उनकी अजीब का गंभीर रूप से प्रभावित एक तरह से मैंने बोला है ना कि आप लोग मान लीजिए मुखिया हैं मान लीजिए आप सरकार हैं और जब आप उनके फायदे यानी कि उन्हें एक तरह से भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं किसानों को तब आप समझिए कि क्या कर सकते हैं आप लोग। आप लोग लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा ठीक है किसानों की प्रमुख मांगों में आप देखेंगे फसल उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सुनिश्चित करने के साथ ही इन तीनों कृषि कानूनों को पूर्णता वापस लेना शामिल है ठीक है किसान संगठनों ने भी सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि कानूनों में संशोधन के कारण अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए भारत बंद का आह्वान कर कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरह से आंदोलन तेज कर दिया है और आप आजकल देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी महापंचायतें की जा रही हैं ठीक है और एक बात और याद रखिए आप लोग कि देखिए किसान इस पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है सरकार के बीच और किसानों के बीच सरकार संशोधन करने के लिए एक तरह से बोल रहा है बोल रही है

पूरी तरह से निरर्थक करने की बात कर रहे हैं दूसरी उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए किसानों की दूसरी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना है एक विधेयक के विधेयक के रूप में एएम एमएसपी की निरंतरता एवं खाद्य अनाज खरीद की पारंपरिक प्रणाली हेतु तो, किसान एक लिखित आश्वासन प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं किसान संगठन चाहते हैं कि एपीसी अथवा मंडी प्रणाली को संरक्षण भी प्रदान किया जाए और याद रखिए किसान चाह रहे हैं कि जो एपीएमसी है इन्हें खत्म ना किया जाए और याद रखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उन्नीस सौ छियासठ में पहली बार आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया था और याद रखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है जो एक तरह से निर्धारण करता है इसका और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात करें तो ये उन्नीस में स्थापित हुआ था ठीक है और क्या किसानों की मांग है तो किसानों की मांग है कि विद्युत संशोधन विधेयक किसानों की तीसरी मांग है कि विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेने लेने की है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके कारण उन्हें मुक्त बिजली प्राप्त नहीं होगी फिर पराली दहन एक तरह से आपने सुना होगा कि पराली जलाने से इतना प्रदूषण फैल रहा है उसी की बात कर रहे हैं किसानों की चौथी मांग है कि पराली जलाने पर जुर्माने एवं कारावास की सजा को समाप्त करना है याद रखिए इस तरह का कानून लाया गया था कि कई सरकारों ने की पराली जलाने पर एक करोड़ तक का जुर्माना आप समझ सकते हैं कि किसान कितनी बुरी स्थिति में रहते हैं उन पर एक करोड़ का जुर्माना लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है समझ रहे हैं आप लोग तो इसे भी खत्म करने की बात की जा रही है और उनका कहना है कि स्वामीनाथन स्वामी आयोग की जो भी रिपोर्ट है उसे लागू करने की बात की जा रही है किसान स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुसं अनुशंसित एम एस पी की मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि MSP में सरकार को उत्पादन की औसत लागत की कम से कम पचास प्रतिशत करनी चाहिए किसानों को पचास प्रतिशत देने के लिए पूंजी एवं भूमि किराए जिसमें सी टू कहा जाता है को भी शामिल किया गया है एक तरह से आप समझिए तो मेरा भी मानना है कि देखिए कोई नियम इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई इतने रेट से कम पर फसल खरीदता है तो एक तरह से उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो कम से कम लगाम लगेगी जो बिचौलिए हैं एक तरह से सेठ हैं आप समझ रहे होंगे कि सेठ क्या करते हैं कि किसानों से सस्ती फसल खरीद कर वही फसल वो मार्केट में जाकर या फिर वो क्या करते हैं कि सरकारी मंडियों को देकर फायदा उठा लेते हैं समझ रहे हैं आप लोग तो इस तरह की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए एक किसानों की एक तरह से मांगे मुझे भी लगता है कि सही है अब आप लोग क्या सोचते हैं ये आपकी अलग नजरिया हो सकता है इस पर कोई बात ज्यादा वो भी नहीं है ठीक है बताइए आप लोग भी बताइए यहां देख लीजिए आप लोग ए टू क्या होता है ए टू एफ एल क्या होता है इसे भी देख लीजिए सी ए सी पी द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तर पर प्रत्येक फसल के लिए तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है ए सी ए सी पी वही है देखिए कृषि लागत एवं मूल आयुक्त ए टू की बात करें तो इसके तहत आप देखेंगे किसानों द्वारा बीज हो गया उर्वरकों कीटनाशकों श्रम पट्टे पर ली गई भूमि ईंधन सिंचाई आदि पर किए गए जो भी खर्च होता है प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है किसके तहत ए टू के ए टू एफ एल के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है इसके तहत आप देखेंगे कि ए टू के साथ साथ आवेदनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है आवेतनिक पारिवारिक श्रम की बात की जा रही है कि जिन्हें आप लोग वेतन नहीं देते हैं लेकिन आप देखते हैं परिवार मेंबर आपकी खेती किसानी में लगे रहते हैं ठीक है और सी टू क्या कहता है, एक है। यह एक अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे ए टू ओ प्लस एफ एल में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है यानी कि कहने का मतलब है कि मेरी कोई एक तरह से भूमि है उसकी एक किराए की भी बात की जाती है इसमें शामिल करने की बात की जाती है ठीक है तो इसी की बात की जा रही कि इस तरह की फायदा मिलना चाहिए अब बात करते हैं कि क्या मांगे उचित हैं किसानों की तो इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है मांगों में क्या कहा जा रहा है तो याद रखिए एमएसपी एक प्रोत्साहन है ना कि एक अधिकार है यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरह से MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार बाध्यकारी नहीं है समझ रहे हैं आप लोग एक तरह से आप उन्हें जैसा ले सकते हैं आप लोग नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं और आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं आप देखते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों का फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी पॉइंट कहे गए जो भी बातें कही गई अगर उनका फायदा नहीं मिलता है तो आप किसी के पास नहीं जा सकते हैं आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है आप जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास एक तरह से राज्य सरकारें चाहें तो उनका फायदा आपको दे सकते हैं ना चाहे तो नहीं दे सकते ठीक है एमएसपी से केवल कुछ किसान लाभान्वित हो लेकिन एमएसपी पर होने वाला व्यय देश के लिए बहुत अधिक है यानी कि अगर इनका कहने का मतलब है कि एमएसपी पर अगर खरीदी जाए फसल तो बहुत खर्च किया जाएगा एमएसपी को किसानों को शोषण से बचाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया गया दिया गया था इसे एक अधिकार के रूप में अनिवार्य रूप अनिवार्य नहीं किया जा सकता यह किंतिम रूप से एक उच्च कीमत होती है और उस जनसंख्या वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जो इन फसलों का उत्पादन नहीं करते हैं एवं गरीब हैं जैसे भूमिहीन हो गए गांव में लघु एवं सीमांत किसान जिन्हें खाद्यान्न खरीदने की भूमिहीनिक आपका कानून ए पी एम सी यानी कि मंडियों प्रणाली को समाप्त नहीं करता है इन कानूनों को कानूनों की वजह से एपीएमसी प्रणाली बंद नहीं होगी बल्कि किसानों के उपज की बिक्री के लिए यह एक विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा सरकार ने तो किसानों को एपीएमसी से बाहर भी उपज बेचने मिलेगी बड़े पैमाने पर अनुपचारिक अनुप अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के आसपास पहले से ही खेती की जा रही है कानून तो केवल अनुबंध कृषि को मान्यता प्राप्त प्रदान करता है इसे वैध बनाता है

अथवा पांच वर्ष तक कारावास अथवा दोनों सजा जैसे कठोर दंड का प्रावधान है प्रदूषण के के विरुद्ध कानून की अत्यंत आवश्यकता बावजूद किसानों की यह मांग चिंताजनक है तो इसे भी आप लोग देखिए जब भी इस तरह का आंसर लिखने के लिए आएगा तो आप लोगों को इसके पक्ष में भी लिखना होगा इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए ना देने होंगे समझ रहे हैं आप लोग तो इन पॉइंटों को आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं इन्हें भी आप लोग देख लीजिए किसानों के कल्याण के विरुद्ध कृषि का व्यवसायीकरण कृषि बाजारों का वैश्विक अनुभव दर्शाता है कि, कि किसानों के लिए एक निश्चित गुणवत्ता निश्चित भुगतान गारंटी के रूप में कृषि सुरक्षा के बिना कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है ये आप भी जानते हैं बेहतर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जोखिम यह लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है जो हमारे कृषक जनसंख्या के छियासी हिस्सा है एक बहुत बड़ी संख्या में आपके लघु एवं किसान रहते हैं वर्तमान कानून सौदेबाजी के परिदृश्य पर न्यायाधिकार का अतिक्रमण करते हैं और किसानों को विवाद निवारण तंत्र की किसी स्वतंत्र माध्यम से वंचित कर देते हैं किसानों को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार प्रदान किया जाएगा एपीएमसी मंडियों का क्रमिक पतन की बात करें तो कृषि कानून बाजार निजी क्षेत्र के लिए विकल्प खोलते हैं जहां पी भुगतान करने हेतु खरीदार का कोई वैधानिक दायित्व नहीं होगा चूंकि लिया जाएगा एवं कृषि क्षेत्र का विपणन एम ए पी एम सी मंडियों से इन निजी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगा कृषि राज्य सूची का विषय है केंद्र सरकार ने संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत विशेष रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आने वाले विषयों पर कानून बनाकर संघीय ढांचे को दरकिनार कर दिया है आप जानते हैं कि तीन सूचियां होती हैं केंद्र सूची सूची संघ सूची संबरती सूची और राज्य सूची और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं संघ सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहता है तो ये भी कहा जा रहा है कि कृषि जो भी है ये राज्य सूची का विषय था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कानून कैसे बना दिया एक एक भी पक्ष पक्ष किसानों के पक्ष में एक तरह से तर्क दिया जाता है ठीक है अब आगे की राय क्या हो सकती है तो याद रखिए कोई मध्यम मार्ग चुनना होगा आप समझ रहे हैं कोई समझौता करना होगा किसानों और किसानों को कुछ पीछे हटना होगा और एक तरह से सरकार को भी कुछ पीछे हटना होगा सरकार किसी का तीन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है जबकि इन कानूनों को रद्द करने के लिए किसान विरोध पर अड़े गए यहाँ एक मध्य मार्ग अपनाने की आवश्यकता है और दोनों पक्षों के मध्य कुछ समझौते होने चाहिए यदि सरकार कुछ वास्तविक मांगों को स्वीकार कर रही है तो किसानों को भी कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिए अधिकारों के एक अधिकारों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी किसानों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी के साथ साथ कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी प्रदान की जानी चाहिए भूमिहीन श्रमिकों भूमिहीन श्रमिकों को अक्सर कल्याणकारी नीतियों से वंचित कर दिया जाता है जबकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक हैं और भूमिहीन श्रमिकों पर अधिक नीतिगत के ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए लोगों के सुझाव विशेष रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक नया विधेयक पारित करने से पहले सभी हितधारकों के सुझाव लेना महत्वपूर्ण है और आप समझिए ये कानून जब भी बनाए जा रहे थे

इस मामले में बीच का मार्ग अपनाना सबसे उचित एवं समझदारी पूर्ण हो सकता है और याद रखिए मुझे तो अभी कभी कभी भरोसा नहीं होता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब इतना आप समझते हैं कि इतना सोचते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो भी इस तरह के आंदोलन को देख रहे हैं कुछ निपटाने की बात नहीं कर रहे हैं तो बीच का कोई रास्ता होना चाहिए क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो चुका है और याद रखिए देश में अगर इस तरह की अशांति रहती इस तरह के कोई आंदोलन रहते हैं तो बाहर की दुनिया बैठी हुई है फायदा उठाने के लिए ठीक है तो यही कहानी है आपकी ठीक है यानी कि पॉइंटों के बारे में आप लोग याद रखिए एक सामान्य जानकारी के लिए और क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हैं ठीक